फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो रिव्यू रहेगा वो एक वाटर बेस मॉइस्चराइज़र के ऊपर है और ये मॉइस्चराइज़र बहुत ही डीपली हाइड्रेशन देगा आपको, तो इसके बारे में हम पूरा जानेंगे और इसको मैं आपको डेमो दूंगी, अपने फेस पे अप्लाई करके दिखाऊंगी कि ये कैसा दिखता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रिव्यू की तरफ। तो जो आज का जो प्रोडक्ट है वो है न्यूट्रीजिना ब्रांड से है और ये है न्यूट्रीजिना हाइड्रो बूस्ट वाटर जेल। दिस इज़ द प्रोडक्ट, टाटा, आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और इसे मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ और इसके दो साइज़ेस आते हैं, तो मेरे पास छोटा मिनी साइज़ है तो इसको बताऊँगी मैं आपको। ये जो साइज़ है ये 15 ग्राम क्वांटिटी का है और इसका जो प्राइस है वो है 379 रुपीज़ का मुझे पड़ा है। ये हो सकता है इसका प्राइस अभी बहुत हाई डिमांड रहा है तो थोड़ा बढ़ गया हो और कई बार आपको डिस्काउंट्स पे ये और भी लो मिल सकता है। तो ये जो जेल वाटर बेस्ड जो मॉइस्चराइज़र है ये नॉर्मल स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन एंड ऑयली स्किन वालों के लिए है, ड्राई स्किन वालों के लिए नहीं है। ठीक है, मुझे बीच में बहुत ह्यूमिडिटी थी तो उससे पिंपल्स होने लगे थे, तो आई थॉट, मैंने सोचा कि क्यों ना इसे ट्राई किया जाए, तो मैंने इसे बाय किया और ये बहुत गज़ब का मेरी स्किन पे इसने वर्क किया है। मुझे ड्राइड कॉम्बिनेशन स्किन वाली हूँ मैं, है तो मेरा कॉम्बिनेशन स्किन है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं मुझे इसके, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं अब आपको इसका रिव्यू दूँ क्योंकि मैं इसे यूज़ कर चुकी हूँ बहुत अच्छे से। तो ये जो प्रोडक्ट है ये न्यूट्रीजिना ब्रांड से है और बहुत अच्छा है, डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, आपके स्किन को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है हायलुरोनिक एसिड है इसके अंदर और इसमें ग्लिसरीन है, वाटर है। तो हायलुरोनिक एसिड क्या करता है पहले मैं आपको बता देती हूँ। हायलुरोनिक एसिड आपकी स्किन में जो एंटी एजिंग होती है या आपके जो रिंकल्स आ जाते हैं, ड्राई स्किन होती है, उसको ख़त्म करता है, उसको रिमूव करता है बहुत हद तक। आपकी स्किन बहुत फ्रिमनेस रहेगी, बहुत सप्पल और बहुत सॉफ्ट हो जाएगी लगाने के बाद। जब किसी भी प्रोडक्ट में अगर हायलुरोनिक एसिड है तो आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे उसके। तो इसको जब लगाएंगे तो ये मतलब बहुत इंस्टेंटली एक तो अब्जॉर्ब हो जाएगा बहुत जल्दी से और ये मतलब बहुत जल्दी से आपको मतलब 72 आवर्स तक आपको हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा, आपको आपकी स्किन को वाटर नीड नहीं रहेगी क्योंकि ये इसे बनाया ही इसी तरह से गया है कि ये आपकी स्किन में वाटर की जो कमी होती है उसको पूरा करेगा। सेकेंड जो इंग्रेडिएंट है इसके अंदर वो है ग्लिसरीन, जो कि बहुत खूबसूरत इंग्रेडिएंट है। ये जो इंग्रेडिएंट है ये आपके स्किन को टोन अप करने के काम आता है, आपकी स्किन में टोनिंग करता है, मींस आपकी स्किन में एक ग्लो देगा आपकी स्किन को, आपकी स्किन में से रिंकल्स को ख़त्म करेगा, आपके स्किन को बहुत फ्रिमनेस देगा, आपके कॉलेजन को बूस्ट करेगा। ये तो ये बहुत अच्छे दो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर दिए गए हैं और बहुत मतलब 50% हाई क्वांटिटी में दिया गया है हायलुरोनिक एसिड को, ताकि वो आपकी स्किन को कम्प्लीटली मॉइस्चराइज रखे और बहुत हाइड्रेशन दे आपके स्किन को, ताकि आपको ज़रूरत ना पड़े किसी और चीज़ को अप्लाई करने की। तो मैं पैकेजिंग बता देती हूँ, पैकेजिंग इस तरह से है इसकी, अच्छी है पैकेजिंग। ठीक है, अब मैं इसको ओपन करके बताती हूँ आपको। तो ये एक बहुत क्यूट सी छोटी सी टब फॉर्म में प्रोडक्ट है इसका, आप देख सकते हैं, और ये बहुत क्यूट है। ये ग्लास बॉटल नहीं है, ये प्लास्टिक की है और इसी तरह से क्यूट सा एक इसमें ऊपर एक टैब कैप दिया गया है। ठीक है, राउंड फॉर्म में है, लीकेज नहीं होगा, ट्रैवल फ्लाइन भी है, छोटी है, बड़े का मुझे पता नहीं है कितना बड़ा टब है, आई थिंक 50 ग्राम क्वांटिटी का है आई थिंक वो। ठीक है, तो मैंने इसे ट्रायल बेसिस पे लिया था कि मुझे ये सूट करेगा नहीं करेगा क्योंकि मेरा थोड़ा कॉम्बिनेशन स्किन है, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छे से वर्क किया है मेरे स्किन पे और मैं इसको अभी लगाती हूँ जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम लगता है मेरे फेस पे, क्योंकि इसमें हायलुरोनिक एसिड बहुत अच्छे से दिया गया है, क्वांटिटी अच्छी है उसका, तो वो आपकी स्किन से जो एक्नेज होते हैं ऑयली स्किन वालों के लिए मैं स्पेशली इसलिए बोल रही हूँ कि उन्हें पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये पिंपल्स को ख़त्म करेगा आपके स्किन से। मतलब आपको अगर पिंपल्स हैं आप इसको लगाओ आपके पिंपल्स हट जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे फेस से, और क्योंकि आपकी स्किन को वाटर बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिल रहा है, स्किन बहुत अच्छे से आपकी हाइड्रेट है, तो आपको नहीं होगा स्वेटिंग, नहीं आएगा आपको इससे और इंस्टेंटली अब्जॉर्ब हो जाएगी, आपको लगेगा नहीं आपने कुछ फेस पे अप्लाई भी किया है। मतलब एक इतना प्यारा बहुत खूबसूरत मॉइस्चराइज़र है ये। तो मैं आपको बताती हूँ इसको ओपन करके।
तो ये इस तरह से ओपन होगा और इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा ट्रांसपेरेंट है लेकिन एक वाटर एक्वा ब्लू कलर होता है ना उस टाइप की है ये थोड़ी सी, तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से है ये। ओके तो अब मैं आपको इसको पहले आपको थोड़ा सा इसको दिखा देती हूँ हाथ पे, फिर मैं आपको इसको अपने फेस पे लगा के दिखाऊंगी कि ये कैसा दिखता है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जेल बेस है, एकदम वाटरी कंसिस्टेंसी है इसकी, बहुत जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाएगा और आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, यूं मतलब बहुत अच्छा है। मैंने इसे लगाया, मेरे पिंपल्स ख़त्म हुए हैं इससे, तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है पिम्पल्स का या उनकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अब आपको बताती हूँ, मैं आपको एक ही तरफ बताती हूँ कितना जल्दी अब्जॉर्ब होगा ये, आप देखिएगा। बहुत थोड़ा सा ही लगाना है और फटाफट से अब्जॉर्ब हो जाएगा ये। और ये अब्जॉर्ब हो चुका है, देखिए ये कम्प्लीटली अब्जॉर्ब हो चुका है मेरे फेस पे और आपको बहुत कूलिंग इफेक्ट देगा, ठंडा ठंडा लगेगा, अच्छा लगेगा आपकी स्किन को, क्योंकि आपकी स्किन में अगर गर्मी है आप मतलब जब हम गर्म रहते हैं तो पिंपल्स बाहर निकलते हैं, एक्नेज आते हैं, हम इन्वायरमेंट में जाते हैं, बहुत सारी डस्ट हमारे फेस पे होती है, हम अच्छे से क्लिंजिंग नहीं करते हैं, अच्छे से टोनिंग नहीं करते हैं अपनी स्किन की, तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं, ये किसी को भी हो सकती है। तो आई थिंक सो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन और एक्सपेंसिव नहीं है, बजट फ्रेंडली है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं इफ़ यू नीड। और ये जो वीडियो है स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मेरा खुद का प्रोडक्ट है, मैंने इसे बाय किया है और आप इसे कहीं से भी बाय कर सकते हैं, ये सारी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, आप इसे कहीं से भी ले सकते हैं। आपको इसको लगाना कैसे है, आपको इसको लगाना है, आपको अपने फेस को पहले क्लीन कर लेना है अच्छे से, आप वॉश कर लें, क्लिंजिंग कर लें अपने फेस की, आप चाहें तो टोन भी कर सकते हैं और उसके बाद इसे इवनिंग में मॉर्निंग में आप इसे आराम से लगा सकते हैं। आप जब मॉर्निंग में उठेंगे तो आपको आपकी स्किन बहुत अच्छी लगेगी, हाइड्रेट लगेगी, ये ग्लोइंग क्रीम नहीं है, ये आपकी स्किन ट्रीटमेंट काइंड ऑफ जेल है, वाटर है, ये वाटर बेस्ड जेल है, मॉइस्चराइजर है जो आपकी स्किन को ट्रीट करेगा, स्किन को अच्छा रखे। तो ये मेरा रिव्यू था आज का और आप चाहें तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका परचेज लिंक डाल दूंगी, आप वहां से बाय कर सकते हैं। और आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको रिव्यूज़ कैसे लग रहे हैं, वीडियोस कैसी लग रही है, तो मैं आपका वेट करूंगी आपके कमेंट्स का। तो थैंक यू सो मच आज के रिव्यू के लिए, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।